गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के लिए अलग अलग युद्धों और ऑपरेशन में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के तीनों प्रमुख मौजूद रहे। परेड में एयरफोर्स के 75 विमान ने किया फ्लाई पास्ट। रफेल, सुकोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमान, राहत, मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत समेत विभिन्न संरचनाओं का किया प्रदर्शन। फ्लाईपास्ट में रफेल, सुकोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा विमान शामिल हुए। सारंग हेलीकॉप्टर जिन्होंने आसमान में तिरंगा फहराया, 5 सारंग हेलीकॉप्टर ने तिरंगा फॉर्मेशन किया। इन हेलीकॉप्टर ने आसमान में तिरंगे के रंग बिखेरे। वायुसेना की C-130 विमान ने भी फ्लाई पास किया। ये मालवाहक विमान है, जवानों को इधर से उधर ले जाना हो या ऑक्सीजन को कहीं पहुंचाना हो, इसमें इन विमानों की भूमिका अहम रही है। गणतंत्र दिवस परेड में 4 MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने वाइन ग्लास फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इस मौके पर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सेंचुरियन टैंक, PT-76, MBT अर्जुन, MKI टैंक ने शौर्य दिखाया। परेड में सबसे आगे पहली टुकड़ी 61 कैवलरी की है। यह दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। BSF की सीमा भवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल टीम ने गणतंत्र दिवस परेड में रतंगेज करतब दिखाए। इस दौरान मौके पर तालियां बजाकर महिलाओं का जोश बढ़ाया गया। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी ने हिस्सा लिया। इसे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया, जिसमें MiG-21, G-Net लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अश्लेषा रडार और रफेल विमान के स्केल डाउन मॉडल प्रदर्शित किए गए। इतना नहीं, आजादी का अमृत उत्सव का भी इसमें जिक्र रहा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने हिस्सा लिया। इस परेड में मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की झलक दिखाई दी और इसके जरिए दुनिया को नौसेना की ताकत दिखाई गई। राजपथ पर परेड में PT-76 टैंक की टुकड़ी ने हिस्सा लिया। ये सोवियत समय का लाइट टैंक है, जिसे भारत, इराक, सीरिया, उत्तर कोरिया और उत्तरी वियतनाम जैसे अन्य मित्र देशों को व्यापक रूप से निर्यात किया गया है। रात में परेड में APCT की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया, जिसे पोलिश पीपुल्स रिपब्लिक और चेकोस्लोवाकिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सिख लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने भी हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल MM नरवड़े इस रेजिमेंट के वर्तमान कर्नल हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में DRDO की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इसमें DRDO ने पनडुब्बी के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम तकनीक दिखाई है। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस का दस्ता भी नजर आया। इस दस्ते ने दिल्ली पुलिस की धुन पर मार्च पास्ट किया। इस दल की अगुवाई ACP विवेक भगत ने की। जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री की 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी के नेतृत्व में जम्मू की टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च किया। ये दल 1970 के दशक की भारतीय सेना की वर्दी में और 7.62 MM SLR हथियार लेकर चला। जम्मू कश्मीर पुलिस के SI बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से किया गया सम्मानित। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाबू राम शहीद हुए थे। सर्वोच्च बलिदान से पहले उन्होंने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया बल्कि 3 आतंकियों को ढेर किया था। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक दिखी। इसके अलावा राज्य की झांकी को इस बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम पर बनाया गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चांटी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया। झांकी के आगे के हिस्से में डोबरा चांटी ब्रिज को दिखाया गया। उत्तराखंड की झांकी प्रगति की तरफ बढ़ा उत्तराखंड थीम पर आधारित है। गुजरात की झांकी गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम को प्रदर्शित कर रही थी।
झांकी का अगला भाग आदिवासियों के पूर्वजों की स्वतंत्रता संग्राम की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है। मेघालय की झांकी में एक महिला को बांस की टोकरी और बांस के अन्य उत्पादों को बनाते हुए दिखाया गया। हरियाणा की झांकी में ओलंपिक की देखिए झलक। हरियाणा की झांकी की थीम नंबर 1 इन स्पोर्ट्स रखी गई, साथ ही राजपथ पर परेड में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश की भी झांकी दिखी। पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दिखाया गया। इस झांकी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दर्शाया गया। इसमें लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओ डायर को गोली मारने के विरोध को भी दर्शाया गया। परेड में गोवा की झांकी गोवन विरासत के प्रतीक पर आधारित रही। इस झांकी में फोर्ट अगवाड़ा, डोना पाउला और पणजी में स्थित आजाद मैदान में शहीदों के स्मारक को किया प्रदर्शन। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया और गणतंत्र दिवस मनाया। लद्दाख बॉर्डर पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जवान देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया और तिरंगा फहराया। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी मौसम में भी तिरंगा लहराया। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने जश्न मनाया और पाकिस्तानी रेंजर्स से मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की टोपी पहनी, इस पर ब्रह्म कमल का फूल बना हुआ है, ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। पीएम मोदी ने मणिपुर का स्टॉल भी पहना। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास स्थान पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा। उन्होंने कहा कि 1950 में आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लोकतंत्र की इतनी वर्षों की गौरवशाली यात्रा में संविधान सतत मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र में आरएसएस मुख्यालय नागपुर में महानगर संघ चालक राजेश लोया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लखनऊ में सीएम योगी ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर फहराया तिरंगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया में भारत का कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के इंदौर में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू स्टेडियम में परेड की सलामी लेने के साथ साथ ध्वजारोहण किया। भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और तिरंगा फहराया। जयपुर में सीएम आवास पर हुआ ध्वजारोहण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फहराया तिरंगा। देशवासियों और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी मुख्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, जगह जगह पुलिस बल के जवान तैनात, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। सीएम पुरुषोत्तम सिंह धामी ने खटीमा में बीजेपी के चुनावी कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देहरादून में कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडा फहराया। इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी उन्होंने। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। देहरादून के परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।